सर्जरी करवा कर चेहरा बिगाड़ लिया। सूजे गाल और नकली लिप्स तो देखो इसके। आयशा का वजन कितना बढ़ गया है, मैं तो इसको पहचान ही नहीं पाई। जी हाँ, सलमान खान की हीरोइन आयशा टाकिया जब लंबे समय बाद पेपराजी के कैमरे पर कैप्चर हुई तो लोगों ने उन्हें मारे तरह तरह के ताने। किसी जमाने में अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों की धड़कन तेज करने वाली आयशा टाकिया आज खुद की खूबसूरती पर उठ रहे सवाल का सामना कर रही है। कोई उन्हें बढ़े वजन की वजह से ट्रोल कर रहा है तो कोई प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा खराब करने का इल्जाम लगा रहा है। लंबे वक्त बाद आयशा कैमरे के सामने आई तो बुरी तरह ट्रोल हो गई। लेकिन हमारी वांटेड गर्ल चुप नहीं बैठी और उन्होंने ट्रोलर्स को दे दिया करारा जवाब। दरअसल बीते दिन हमारे मीडिया पपराजी ने वांटेड गर्ल आयशा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। सुर्खियों से काफी दूर रहने के बाद आयशा टाकिया शुक्रवार को दिखाई दी। उनके साथ उनका बेटा मिकेल और एक दोस्त भी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान आयशा ब्लू सूट पहने काफी खूबसूरत दिखी, लेकिन बदली बदली नजर आई। हालांकि नेटिजंस ने आयशा को ऐसे देख बेरहमी से ट्रोल कर दिया, जहां कई लोगों ने बताया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बाद अपना चेहरा बर्बाद कर लिया है। लेकिन आयशा टाकिया पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का जरा भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दे दिया। इसका जवाब देते हुए आयशा ने सोशल मीडिया पर प्यार और शांति के मैसेज के साथ अपनी एक मुस्कुराती हुई फोटो शेयर की। इसके अलावा उन्होंने नेगेटिविटी पर भी एक पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया, जिसमें लिखा था, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपकी ऊर्जा कैसे लेते हैं, बस अपना काम ईमानदारी और प्रेम के साथ करते रहें। भले ही आयशा ने अपने फैंस को प्यार और शांति का संकेत दिया, लेकिन ट्रोलर्स अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आए। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो आयशा की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े ही आराम से इस पूरे मामले को संभाला। बता दें कि आयशा टाकिया एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी और उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। एक्ट्रेस काफी समय से सोशल मीडिया से गायब है और वो कम ही देखी जाती हैं। लेकिन हाल ही में आयशा की झलक एयरपोर्ट पर मिली जब वो अपने बेटे मिकेल के साथ दिखी। टार्जन द वंडर कार, वांटेड और दिल मांगे मोर जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद आयशा धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो गई। उन्होंने शोबिज के चकाचौंध और ग्लैमर से दूर एक शांत लाइफ का ऑप्शन चुना। एक्टिंग और इवेंट से पीछे हटने का उनका डिसीजन कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। जैसे जैसे आयशा सुर्खियों से दूर जाती गई, उनके फैंस उनकी वापसी के लिए इंतजार करते रहे। शादी के बंधन में बंधते ही आयशा ने फिल्मी दुनिया को टाटा बाय बाय कहकर घर गृहस्थी में बिजी हो गई। बता दें कि सिर्फ 23 साल की उम्र में आयशा ने शादी करके घर बसाने का फैसला ले लिया था। आयशा की सुपरहिट फिल्म वांटेड रिलीज भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही आयशा हॉस्पिटैलिटी बिजनेसमैन फरहान आजमी से शादी करके घर बसा चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।